अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू क्वेश्चन अवर को प्लीज डिस्टर्ब मत करो. नियम के अनुसार मैं अलाउ नहीं कर सकती, नहीं करूंगी, चाहे जो रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी. एक तरफ तो विंटर सेशन नहीं लगता है इसलिए बाहर बातें करते हो, अंदर आके सेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो. आई एम सॉरी, प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज डोंट डू. अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू. आपको नहीं चलाना लेकिन बाकी सबको चलाना है, अपने प्रश्नों के उत्तर लेना है. क्वेश्चन अवर को डिस्टर्ब मत करो. आई एम सॉरी. और आप नहीं चलाना चाहते हो, लिख के दे दो कि हम सेशन नहीं चलाना चाहते. ठीक है, विंटर सेशन बुलाने की तो बात करते हो. दिस इज नॉट प्रॉपर एट ऑल. नो, हाउस एडजोर्न टू मीट अगेन एट 12 o'clock. माननीय सदस्य का सवाल राजनीतिक भी है, गुजरात चुनाव से भी संबंधित. आप राजनीति का उत्तर मत दो चाहे तो. उसका उत्तर वहां की जनता ने दिया है. लेकिन जहां तक स्वामीनाथन जी के अनुशंसा का सवाल है, अपनी अनुशंसा में जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, सरकार मूल्य एवं लागत आयोग के सिफारिशों के अनुकूल प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य बढ़ाती है, लेकिन उनके सिफारिशों में A2, FL, C2 कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं और इसके लिए हमने कुछ नोट्स बना के स्वामीनाथन जी के पास भेजा है कि इस पर स्पष्ट रूप से आप अपना मंतव्य दें, क्योंकि आयोग में कई प्रकार की उसमें सिफारिशें हैं उनकी. ऐसे जो लागत मूल्य से 50% ज्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए लागत एवं मूल्य आयोग की जो सिफारिशें आती हैं 16 राज्यों में उनके माध्यम से लागत मूल्य की जानकारी ली जाती है और आयोग के द्वारा समय समय पर ये मूल्य निर्धारित किए जाते हैं. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो MSP निर्धारित किए जा रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां वो MSP भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं. मैं माननीय रामविलास जी को जरूर बधाई दूंगा कि ये लगातार प्रयत्न में है, राज्य सरकारों के साथ मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो MSP तय है वो किसानों को मिले. मैडम स्पीकर, माय क्वेश्चन वाज वेदर द यूनियन गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द प्रॉमिस ऑफ MSP ऑन द बेसिस ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सप्लीमेंट्री, ही हैज रिप्लाइड दैट क्वेश्चन. सेकंड सप्लीमेंट्री, डबलिंग फार्मर्स इनकम was yet another important promise made by this government in order to increase. Yes, of course, the farmers' income, the real income has been stagnating in the last 3 years. So my question is, in order to increase the farmers' income, MSP is very crucial. Whether the government will introduce a legislation to ensure that farmers will not be forced to sell their products below MSP, whether the government is ready to bring such a legislation. Thank you. मुझे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने कई नई योजनाओं का शुरुआत किया है, बजटीय आवंटन भी बढ़ाया है और बजटीय आवंटन के अलावे कॉर्पस फंड भी बनाए गए हैं. जहां तक कानून बनाने का सवाल है, अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया. सुचिता देव, लोक श्री अर्जुन लाल मीणा, बड़ा मोटा है सामने अर्जुन लाल मीणा. धन्यवाद मैडम. मैं माननीय मंत्री जी ने जो MSP के संबंध में जो जवाब दिया है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ. मेरा पूरक प्रश्न ये है, क्या भारत सरकार राजस्थान राज्य की विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चोला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अरंडी, ग्वार पाठा तथा मेहंदी के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का विचार रखती है क्या? धन्यवाद. अभी 22 से जो मुख्य फसलें हैं उनका MSP तय है और जिन फसलों का MSP तय नहीं है, अधिराज्य में 10% उत्पादन ज्यादा होता है
और कीमतें गिरती हैं तो राज्य सरकार के प्रस्ताव आने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले दो वर्ष में बाजार हस्तक्षेप योजना को राज्यों के प्रस्ताव आने पर बड़े पैमाने पर लागू किया गया है और इसके माध्यम से अभी किसानों को राहत दी जाती है। अकोली घोष रसोई में आग लगी हुई है। पहले तो प्याज काटने में आंसू आ जाता था, अभी बाजार जाके प्याज खरीदने में आंसू आ जाता है। मैं पूछना चाहती थी कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रोज टू 3.93% लास्ट मंथ मोस्टली ड्यू टू राइस इन अनियन एंड टोमेटो प्राइस अमंग अदर वेजिटेबल्स विच सॉ राइज अप टू 59.8%, बट अनियन वॉज द हाइस्ट एट 178.19% प्राइस राइज। Honorable Madam, Minister has been said to have retorted that he cannot control the onion prices and has also restricted export of onion. My question is through you, Madam, is whether onion is being imported and brought from outside? How much of onion is being bought? At what price and from which country? Thank you. Yata, this is only for MSP, whatever it is. Sunil Jatra, do you want to ask? No, it's okay. Ganesh Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वर्ष 2017-18 के लिए जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है उसके लिए पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन जरूर उनसे करना चाहूंगा कि जो समर्थन मूल्य जारी होता है लेकिन मंडियों में उससे कम दाम पर किसानों की फसल को खरीदा जाता है उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे। अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू किया, जो समर्थन मूल्य के से कम दाम पर अगर मंडियों में कोई चीज बिकी तो उसके बीच की राशि को हमारी सरकार ने अपने खजाने से किसानों के खाते में देने का निर्णय लिया। मैं जानना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य से कम भाव पर अगर मंडियों में अनाज खरीदा जाता है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि जो समर्थन मूल्य जिन जिन्सों का घोषित है उसमें जो राज्य सरकारें राशन में देती है वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से विकेंद्रित व्यवस्था के द्वारा राज्यों की मशीनरी ही खरीदती है। और इसके अलावा जो दलहन तिलहन और कपास है जिनका समर्थन मूल्य घोषित है राज्य के प्रस्ताव आने पर पीएसएस योजना के तहत खरीदारी होती है, लेकिन मशीनरी राज्य सरकार की होती है। मैं मध्य प्रदेश को बधाई दूंगा कि उसने एक नई व्यवस्था वहां शुरू की है, अप्रूवल लिया है भारत सरकार से, और हरियाणा में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव है। मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि जो समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिले ये सुनिश्चित करे, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। श्री अर्जुन चरण सेठी जी, आई लाइक टू आस्क द क्वेश्चन दैट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क by the honorable minister, honorable member, that various agriculture are produced. It has been mentioned that very whether increase in the prices of various agriculture produce has been considered by the government of India while increasing the prices of MSP of the different commodities. He has not mentioned about the paddy, because paddy is also one of the major crop produced by the agriculture throughout the country, and various states and agriculturists has also emphasized and asked and demanding increase the prices of the MSP of the paddy. Why he has not mentioned about the paddy? So I may can he answer to my question, sir? महोदय, सवाल में रबी फसलों का लिए पूछा गया था जिसका उत्तर दे किया गया है, लेकिन मैंने बताया कि 22 फसलों के
समर्थन मूल्य तय होते हैं, जिसमें धान के भी तय होते हैं, माननीय महोदय से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया खरीफ के सीजन में। अब हम सब मिलकर राज्यों में सुनिश्चित करें कि जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है उसकी खरीदारी हो। प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, ये जो भी चुनावी सभाओं में हुआ है इसको लेके हाउस को डिस्टर्ब प्लीज मत करो। नो, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, आई विल नॉट अलाउ ऑल दीज थिंग। आप पूरी सभा को डिस्टर्ब कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज गो टू योर सीट। नो, नहीं होगा, आई विल नॉट अलाउ एनीथिंग समथिंग। नो, क्वेश्चन नंबर 43। जो पटल पे रखा गया हाउस, यू कैन गो। मैडम, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस देश में जो आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं उनको रोकने के लिए और हमारी फोर्सेस को आधुनिक करने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा भी करता हूं और सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। कल जो देश में दो राज्यों के परिणाम आए, गुजरात और हिमाचल में जो हमारी जीत हुई, तो मैं अपोजिशन की ये हालत को समझ सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि आतंकवाद की घटनाएं जब इस देश में ऐसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बार बार चुन के आएगी तो आतंकवाद की घटनाओं को भी उनमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। मेरा पहला सवाल मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो यूथ है वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करे, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है उनको मोटिवेट करने के लिए। दूसरा सवाल, और जो हमारे कश्मीर का यूथ है, सेकंड सप्लीमेंट्री मिलेगी ना उसपे। मेरे पहले सवाल में यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं और उनको, जो हमारा कश्मीर का यूथ है जो वारदात में वहां पर लिप्त होता है, उनको क्या एचआरडी मिनिस्ट्री से एजुकेशन के साथ या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से उनको खेलों में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य क्या है? नो, आई विल हैव टू। जो उन्होंने सरकार के आतंक विरोधी हरकतों को रोकने के लिए उस सरकार को सफलता मिली है उस पर उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने देश के युवाओं को पुलिस फोर्सेस में, सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, तो मैं उनसे एक जवाब उनको जानकारी देना चाहता हूं। हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एसपीसी दो स्कूल पुलिस कैडेट के नाम से हम एक स्कीम चलाने वाले हैं जिसको मान्यता मिली हुई है और बहुत जल्दी हम सब लॉन्च करके युवाओं को उसमें, हम स्कूल के बच्चों को भी इसमें पुलिस शिक्षण देने की योजना बनाई गई है। साथ में कश्मीर में भी कश्मीर के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए हमने एसपीओ की भर्ती की गई और वहां पर भी युवाओं को पुलिस की फोर्सेस में भर्ती करने के लिए हमने प्रयास किया है और साथ में कश्मीर में भी हमने सीएपीएफ की भर्ती जारी की है और वहां पर जम्मू कश्मीर के ही युवाओं को उसमें भर्ती करने का सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। मैडम, मेरा दूसरा सवाल है कि मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जवानों को बधाई देना चाहता हूं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब दिवाली के मौके पर जवानों के साथ में अपनी दिवाली मनाते हैं
तो जवानों का उत्साह बढ़ता है, जवानों का मनोबल बढ़ता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है, केंद्र सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है, हर राज्य के सरकार द्वारा अलग अलग मदद दी जाती है। क्या कोई ऐसी एक योजना ला सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जवानों को ज्यादा से ज्यादा, अगर वो जवान हमारा शहीद होता है तो उनके परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों के साथ मिलकर कोई एक अच्छी स्कीम हम लेके आए जवानों के लिए, जिनसे और उनको हम अपना मोटिवेट कर सके हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दो जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान या पुलिस शहीद होते हैं, इन लोगों को हमारे गृह मंत्रालय से घोषित किया गया है कि गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों में घोषणा की थी कि ऐसे कोई भी शहीद परिवार को एक करोड़ रुपए से कम उन्हें उसके शहीद होने के बाद में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और इसी के चलते हर किसी भी जवान के शहीद होने पर उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ में जवान शहीद होने वाले जवानों के परिवार को नौकर भर्ती के लिए भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें नौकर भर्ती में भी मदद की जाती है। और ये सभी राज्यों और यही स्कीम विविध राज्यों में अलग तरीके से उन्हें वित्तीय स्थिति दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है। और हमारे जल्दी हम जम्मू एंड कश्मीर की जो भी हमारे जवान पुलिस है उन लोगों को भी भारत सरकार के द्वारा कुछ जो जवान शहीद होते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। और पुरानी सरकार की तुलना में अभी हमारी जो पुरानी सरकार थी यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो मदद नहीं दी गई है उससे कई गुना अधिक मदद दी जा रही है। और हम उसके उन शहीद परिवारों के लिए भी आर्थिक मदद, सहायता, स्कूल में पढ़ाई के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। धन्यवाद।